संजय कुमार झा इस तरह शपथ लीजिए हम विधि द्वारा स्थापित हैं भारतक संविधानक प्रति साथ श्रद्धा निष्ठा रखें हम भारतक भव्यता को अखंडता से अक्षुण रखा हम बिहार राज्य पर नौकरी करते हुए अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय पक्षपात अनुराग बिना सब प्रकार के लोग सबक प्रति संविधान को विश्व अनुसार न्याय कर हम संजय कुमार झा ईश्वर के शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप हमरा विचारक लेल आना जाए अथवा हमरा ज्ञात हो कोनो व्यक्ति के बाद व्यक्ति सभक दहिया के अतिरिक्त जखन तहत मंत्री के रूप में अपन कर्तव्यपर सभक सम्यक निर्वहन के लेल ग्रहण करब अपेक्षित होय हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंवा प्रकट नहीं करब। कुमार झा मिथिलांचल से आते हैं और माना जाता है कि संजय कुमार झा जो है वो नीतीश कुमार की बिल्कुल कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं। हमेशा से नीतीश कुमार का जो कोर टीम रहा है उसमें संजय कुमार झा रहे हैं। पहले से नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हो जहां भी हो संजय कुमार झा एक ऐसा चेहरा है जो नीतीश कुमार के हमेशा आसपास माने जाते हैं। पिछली सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे तो अमूमन नीतीश कुमार ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि संजय कुमार झा को कैबिनेट में कोई बहुत बड़ी के पास जवाबदेही और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो फिलहाल संजय कुमार झा जो है उन्होंने शपथ ले लिया है और संजय कुमार झा का पहले ही जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी नवंबर के महीने में तभी हम उम्मीद कर रहे थे कि संजय झा उस मंत्रिमंडल में होंगे। उनका वहां नहीं होना सभी को हैरत में डाल गया था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर संजय झा की एंट्री क्यों नहीं हो पाई कैबिनेट में। सभी को लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार अपने पूरे कैबिनेट का चेहरा बदलना चाहते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव में सरकार को लाना चाहते हैं क्योंकि इस बार पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस नए कैबिनेट विस्तार की चर्चा हुई उसमें संजय झा का नाम आने लगा था और अब संजय झा ने शपथ ले लिया है। इस तरह से संजय झा शपथ लेकर वापस अपनी चेयर की तरफ जाते हुए तो एक के बाद एक जो तमाम नए लोग हैं खुश लेसी सिंह अब शपथ लेने आ देखिए लेसी सिंह जो है वो पूर्णिया इलाके